नमस्कार, मैं डॉक्टर रमीज़ुल इस्लाम और मैं पीजी रेजिडेंट डिपार्टमेंट ऑफ सेक्रेटरी एफएच मेडिकल कॉलेज। और आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है जो कि 10 सितंबर को मनाया जाता है। और ये जो शुरुआत है वो WHO और IASP के द्वारा करी गई थी। सबसे पहले जो है वो 2003 में मनाया गया था, उसके बाद से हर साल जो है ये मनाया जाता है। इस साल की जो थीम है वो है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। और इसके लिए जो बहुत ज़रूरी जानकारी है वो हमारे सीनियर डॉक्टर PS बघेल आपको देंगे। मैं डॉक्टर प्रेम सिंह बघेल हूँ। मैं FH मेडिकल कॉलेज में सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हेड के पद पर कार्यरत हूँ। आज 10 सितंबर है। 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। इस दिन की शुरुआत 2003 से हुई थी। 2003 में विश्व स्वास्थ्य संगठन और IASP इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन, इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर इस दिवस की मनाने की शुरुआत की थी। ये दिवस सुसाइड की समस्या को ध्यान में रखते हुए मनाया जाता है, क्योंकि दुनिया में सुसाइड की संख्या काफ़ी बढ़ रही है। WHO के आंकड़ों के अनुसार हर वर्ष लगभग 8 लाख लोग आत्महत्या से अपनी जान गंवाते हैं। इसका मतलब हुआ हर 40 सेकंड में एक इंसान की मौत आत्महत्या से होती है। हमारे भारत के आंकड़ों में NCERB ने जो आंकड़े दिए हैं उसके अनुसार 2019 में एक साल में 1,39,123 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी आत्महत्या से। तो ये बहुत बड़ी संख्या है जो कि हमारे देश में लाइफ लॉस का एक बड़ा कारण है। और आत्महत्या ज़्यादातर यंग लोगों में होती है, तो यंग लोगों में ये जान गंवाने का दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कारण है। पहला कारण होता है रोड एक्सीडेंट, दूसरा कारण है आत्महत्या। ये एक ऐसा कारण है जिसको कि रोका जा सकता है। इस वजह से हम प्रतिवर्ष 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाते हैं। इस साल की विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की थीम है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। और इसी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आत्महत्या, हमारे देश में आत्महत्या के प्रमुख कारण जो तरीके हैं उनमें सबसे जो कॉमन कारण है, सबसे इम्पोर्टेंट कारण है, वो तरीका है, वो है पेस्टिसाइड का सेवन, यानी कि कीटनाशक दवाइयों का सेवन। दूसरा कॉमन कारण आता है हैंगिंग, यानी कि फांसी लगा लेना। तीसरा कारण है अपने आप को जला लेना या ट्रेन के सामने कूद जाना, ये प्रमुख कारण है। और आत्महत्या के विचार जो है दो तरीके से आ सकते हैं, प्रमुखतः दो तरीके से आ सकते हैं। पहला होता है इम्पल्सिव, दूसरा प्लान्ड। इम्पल्सिव में किसी आवेग में आके इंसान जो है आत्महत्या के विचार उसके दिमाग में आते हैं, जैसे कि कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया या किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो गई या कोई स्ट्रेसफुल इवेंट हो गई, एग्ज़ाम में फेल हो गए या जॉब लॉस हो गया, तो उसके बाद अचानक से लोग सुसाइड करते हैं, तो उसको इम्पल्सिव सुसाइड अटेम्प्ट कहते हैं। दूसरा है प्लान्ड, जो कि मानसिक बीमारी में देखने को मिलता है। इसमें जो मनुष्य है वो पहले से प्लान करके चलता है कि मैं ऐसे सुसाइड करूँगा, मैं ये करूँगा, उसके लिए प्लानिंग करता है। कई बार वो अपनी वसीयत भी लिख देता है, कई बार बाकी जो काम उसको पूरे करने हैं वो पूरे करता है। तो आत्महत्या के जो प्रमुख जो रिस्क फैक्टर हैं, कौन से लोग आत्महत्या करते हैं, उनमें आता है सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है, यदि किसी ने पहले आत्महत्या की कोशिश की है तो उसमें आत्महत्या के दोबारा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसके बाद अगला कारण है यदि कोई मानसिक रोग से पीड़ित है तो उसमें आत्महत्या की संभावना ज़्यादा है। कोई शारीरिक बीमारी से पीड़ित है, ऐसी बीमारी जो लंबे समय से चल रही है और जिसका इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा, उस तरह की बीमारी से पीड़ित है, जो नशे का सेवन करते हैं, जो अकेले रहते हैं, और आत्महत्या के लक्षण पुरुषों में महिलाओं की तुलना में थोड़े ज़्यादा देखने को मिलते हैं, विशेष तौर पर जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है। तो आत्महत्या के विचार यदि किसी को आते हैं, हमारी जान पहचान में कोई ऐसा है जिसके अंदर आत्महत्या के विचार आते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? इससे पहले हमें आत्महत्या के बारे में कुछ बातें जान लेनी चाहिए। कुछ आत्महत्या के बारे में लोगों के
भूल धारणा है, जैसे कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि आत्महत्या के बारे में बात करने से उसकी संभावना बढ़ जाती है, जो कि गलत है। आत्महत्या के बारे में यदि किसी इंसान से आप बात करते हो, उसके मन में आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, तो उसकी मदद होती है। और आत्महत्या के विचार आने का मतलब ये नहीं है कि मनुष्य मानसिक रूप से बीमार है, बिना किसी मानसिक बीमारी के भी आत्महत्या के विचार आ सकते हैं। और आत्महत्या के विचार यदि किसी के दिमाग में आ रहे हैं, आपको पता चलता है, तो सबसे पहले हमें यदि उसने किसी भी प्रकार से हमें कोई हिंट दी है, जो कि अक्सर लोग करते हैं, जिसके भी मन में आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, वो किसी न किसी रूप में कम्युनिकेट करते हैं, वो या तो लिखित रूप में या अपने व्यवहार से किसी न किसी तरीके से ये हिंट देते हैं कि वो आत्महत्या करना चाह रहा है। तो हमें ऐसी कोई हिंट मिलती है या उसकी तरफ से कोई इशारा मिलता है, तो हमें उसको सीरियसली लेना है, उसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना है। और यदि हमें लगता है कि हमारी जान पहचान में कोई आत्महत्या के विचार किसी के दिमाग में चल रहे हैं, कोई प्लान कर रहा है, तो हमें उसको अकेला नहीं छोड़ना, और अगला काम हमें उसको जितना जल्दी हो सके मनोचिकित्सक के पास ले जाना है, या मनोचिकित्सक के पास नहीं ले जा सकते, दूसरे चिकित्सक के पास ले जाना है और उसका ट्रीटमेंट कराना। आत्महत्या से संबंधित हमारे देश के कानून में भी कुछ बदलाव हुआ है। 2017 में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट पास हुआ, जिस कानून के अनुसार अब आत्महत्या का प्रयास करने वाले इंसान को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। इससे पहले उसको अपराध की श्रेणी में रखा जाता था, जिससे लोग डर की वजह से यदि उनके मन में आत्महत्या के विचार आते थे तो लोगों के साथ शेयर नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि मैं यदि बताऊँगा, यदि हॉस्पिटल जाऊँगा, तो हो सकता है मुझे मेरे ऊपर केस हो जाए। लेकिन अब ये नियम बदल गए हैं, अब आत्महत्या के यदि किसी के मन में विचार आते हैं तो उसको अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाता, जबकि बल्कि उसको ऐसा माना जाता है कि वो तनाव से गुजर रहा है और उसकी मदद की जाती है। अब अगली बात आती है कि यदि किसी मनुष्य के मन में आत्महत्या के विचार आ रहे हैं तो हम उसकी कैसे मदद कर सकते हैं। सबसे पहला काम, उस मनुष्य को हमें अकेला नहीं छोड़ना है और उसकी यथाशीघ्र मदद करनी है। उसको हो सके तो मनोचिकित्सक के पास ले जाएं, अन्यथा यदि संभव नहीं है तो किसी दूसरे डॉक्टर के पास ले जाएं और उसको अकेला ना छोड़ें। उसके पास ऐसा कुछ सामान नहीं होना चाहिए जैसे कि कीटनाशक दवाइयाँ या कोई साफ ऑब्जेक्ट, ब्लेड वगैरह, जिससे वो आत्महत्या कर सकता है, और हमें उससे बात करनी चाहिए। हाँ, जैसे देखा गया है कई बार परीक्षा में फेल होने के बाद छात्र जो है आत्महत्या का प्रयास करते हैं, तो हमें इस तरह के छात्रों को, हमें सभी छात्रों को परीक्षा से पहले हमें काउंसिल करना चाहिए कि यदि ऐसे विचार आपके दिमाग में आते हैं तो आप कहाँ कॉन्टैक्ट करें। छात्र अपने शिक्षक से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, शिक्षक जो है डॉक्टर्स के पास भेज सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में फेल होना कोई जीवन का अंत नहीं है। इस बार फेल हो गए, अगली बार फिर प्रयास करो, हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक कोई छात्र पहली बार ही फेल हुआ है, इससे पहले बहुत लोग फेल हुए, उन्होंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने एक बार फेल होने के बाद दोबारा बहुत कुछ अच्छा कर दिया, तीसरी बार बहुत कुछ अच्छा कर दिया। ज़रूरी नहीं है आप परीक्षा में ही अच्छा करें, आप ज़िंदगी के दूसरे फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। तो एक परीक्षा में फेल होने का मतलब ज़िंदगी का अंत नहीं है। तो यदि परीक्षा में फेल होने के बाद आत्महत्या के विचार आते हैं तो उन बच्चों को अपने शिक्षकों, अपने पेरेंट्स से संपर्क करना चाहिए, और पेरेंट्स और शिक्षकों को उन्हें काउंसलर के पास ले जाना चाहिए, जिससे वो उनकी काउंसलिंग की जाती है और बच्चे आगे चल के ज़िंदगी में अच्छा कर सकते हैं। दूसरी बात आती है व्यापारियों की, व्यापार में लॉस होने की वजह से भी कई बार लोग आत्महत्या के बारे में सोचने लगते हैं, तो उनके लिए मुझे यही कहना है कि व्यापार में लॉस होना कोई एक अजूबी घटना नहीं है, ये पहले भी होती रही है, आगे भी होगी, और बहुत लोगों के साथ होता है। तो व्यापार में फ़ायदा होना, घाटा होना, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। तो हमें अपने तरीकों पर विचार करना होगा कि हमारे व्यापार में तरीके में क्या कमी रह गई, हम उसको कैसे सुधार कर सकते हैं, और हम अपने बड़े बुजुर्गों से मिलके बात करें, जो व्यापारियों के संगठन होते हैं उनमें अपनी बात को रखें, वहाँ से हमें अच्छे आइडियाज़ मिल सकते हैं। और यदि हमारे दिमाग में आत्महत्या के विचार बार बार आ रहे हैं तो हम प्रोफेशनल काउंसलर के पास जा सकते हैं, वो हमें गाइड करते हैं, तो इस तरह से हम अपनी ज़िंदगी में सुधार कर सकते हैं। अगली बारी आती है घरेलू हिंसा से परेशान महिलाओं की। तो घरेलू हिंसा से परेशान होकर कई बार महिलाएं आत्महत्या की कोशिश करती हैं, उनके लिए भी मेरा यही कहना है कि
आपसी मनमुटाव हर घर में होते हैं, ये कोई नई समस्या नहीं है और उसको हम बातचीत से सुलझा सकते हैं। किसी के भी घर में यदि परिवार में आपसी मनमुटाव है जिसकी वजह से तनाव हो रहा है तो उनको बातचीत से सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, उनको अपने बड़े बुजुर्गों से समस्या का समाधान कराने के लिए बात करनी चाहिए। और यदि उससे नहीं होता है तो जीवन का अंत कर लेना कोई समस्या का समाधान नहीं है। हम प्रोफेशनली कुछ सेवाएं उपलब्ध होती हैं, जैसे कि हर ज़िले में परिवार परामर्श केंद्र होते हैं, वहाँ पे हम जा सकते हैं जहाँ पे हमें प्रोफेशनल हेल्प दी जाती है। और कई बार हम पेपरों में भी पढ़ते हैं, बहुत सारे जो परिवारों में विवाद चल रहे थे वो इन परिवार परामर्श केंद्रों पे जाके सुलझ गए और वो अच्छी तरह से ज़िंदगी बिता रहे हैं।